नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भैरू दास है। भैरू दास जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं गांव रूपाखेड़ा तहसील बदनावर जिला धार का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से 6 सितंबर 2013 को नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर करता था मैं। मैंने गुरु भी बना रखे थे संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, सावन कृपाल रूहानी मिशन जो दिल्ली से है उनको गुरु बना रखा था मैंने। और भी भक्ति साधना में बहुत सारी करता था मैं। माता जी का पुजारी था, माता जी की पूजा करता था। इसके अलावा हमारे जो हुसैन टेकरी में जो दरगाह बाबाओं की बनी हुई है, जो कि मुसलमान लोगों की बनाई हुई है, उसमें हम काफ़ी साल से जुड़े हुए थे। हम वहाँ पे 8-10 साल से उनकी भक्ति करते थे। वहाँ जाना आना होता था हमारा और वहाँ से काफ़ी समय से जुड़े हुए थे हम। और सर इसके अलावा हम माता जी की भक्ति करते थे। मेरा भाई था एक, वो खुद मतलब यात्रा करता था, देवी उसके अंदर प्रकट होती थी और वो ये सब भक्ति साधनाएं करते थे। हम नवरात्रे आते थे तो नवरात्रे में मैं 15 दिन तक पैर में जूते, मुंह में खाना और 15 दिन तक खेत पे कहीं नहीं जाता था सर मैं, और बिल्कुल माता जी के सामने ही बैठा रहता था, वहीं दीपक लगाता था और 15 दिन तक नवरात्र में इतनी भक्ति में करता था। सर आपने बताया कि आप कृपालु सिंह जी महाराज से जुड़े हुए थे, वहाँ भक्ति करते थे, फिर आप माता जी के भी अटूट भगत थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे आए कि जैसे हमारे बहन एक हमारे गांव की, वो भगत जी ने नाम दीक्षा ले रखी थी, तो उन्होंने हमें ज्ञान गंगा पुस्तक दी थी पढ़ने के लिए। तो हम 6 महीने तक तो उस पुस्तक को हाथ भी नहीं लगाए कि क्या है, हमारे पास टाइम भी नहीं है खेत में काम करें कि पुस्तक पढ़े। ऐसे वो बोलते रहे। फिर अचानक ही एक दिन से हमने कहा कि चलो देखे तो सही इसमें क्या है। फिर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उस पुस्तक के बटने के बाद में वो भगत जी ने बोला कि चलो यार बरवाल आश्रम चलते ही है। तो फिर हम सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के लिए निकल दिए भगत जी। और वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि कितना एक ऐसा लोग लग रहा है जैसे कि किसी और लोग में आए हम, और वहाँ की व्यवस्था और वहाँ की जो शांति थी वो देखकर हमें ऐसा लगा कि वास्तव में ये कोई दूसरा ही लोग है। तो सर हमने इसी प्रकार में वहाँ पे गया और मैं इस बीच ट्रेन में गुटखा पाउच खाता हुआ ही गया था, और जैसे ही वहाँ आश्रम के बाहर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने कहा कि भाई तुम्हारे पास जो भी हो नशा वशा करने की चीज़ें वो इस ड्राज में डाल दीजिए वहाँ पे, तो मैंने मुंह में भी भर रखा था, इस पापी ने बहुत खाया था और वहाँ भर रखा था, और वो सब थूक के और जेब से सारी चीज़ें निकाल के वहीं उसी दिन डाल दी थी। फिर अंदर गए वहाँ पे हमने देखा कि कितना शांत स्वभाव है यहाँ पे, कितनी व्यवस्था है, कैसे यहाँ का आचरण है, वो सब हमने देखा। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ले ली सर। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहला लाभ तो मुझे यही हुआ कि जैसे ही मैं नाम दीक्षा लेकर घर ही आया था और दूसरे ही दिन मेरा जो लड़का था, दूसरा वाला लड़का बचा हुआ, वो भी बीमार हो गया था, और वो इसी टाइप हो गया था कि मतलब बस ख़त्म होने वाला, उसका डेट होने वाला। यह भी जो पहला लड़का मेरा मरा था इसी स्थिति में हो गया। तो फिर मैंने सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज के पास में मैंने अर्जी लगाई कि परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज, मेरा मतलब जो दूसरा बच्चा है ये भी आज मर चुका है और मेरे पास कुछ नहीं बचेगा मालिक, अब मैं अनाथ हो जाऊँगा। तो ठीक 10 मिनट के बाद ही हमारा बच्चा जो है वो ठीक हो जाता है। भगत जी उठ के खड़ा हो गया और वो अच्छा हो गया मेरा बच्चा, और मैंने उससे पूछा कि तेरे को कोई तकलीफ हो रही है? उसने बोला मुझे कुछ नहीं हो रहा है। तो जो मेरा बच्चा मर चुका था उसे संत रामपाल जी महाराज ने पुनः जीवन दान देकर उसे जीवित कर दिया था। मेरे सर पे बहुत कर्जा भी हो गया था सर, मैं
बहुत मतलब 12 लाख रुपए का कर्जा था मेरे सर पे जब सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आया था मैं, तो आज वो भी मेरा कर्जा लगभग मैं फ्री हो चुका हूँ कर्जे से, और आज मेरे ऊपर कोई 1 रुपये का कर्जा बाकी नहीं रहा है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ऐसी दया मुझे हुई है और ऐसे लाभ हुए हैं मुझे। इसके बाद जो मेरी खुद की बताऊँ मैं कि मैं 8 दिन में 4 दिन में बहुत बीमार रहता था, एलर्जी थी मुझे और बहुत सारी भूत प्रेतों की बाधा भी थी हमारे घर के अंदर। किसी को भी कुछ भी होने में मतलब टाइम नहीं लगता था, जैसे ही कुछ हुआ कि 10 मिनट लगता था उस व्यक्ति को ख़त्म होने में। ये हमारे घर में भूत प्रेतों की बहुत बाधा थी सर। तो सर ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज तक किसी को भी ये दुख तकलीफ नहीं है सर, और सारी बीमारियों से सारे नशे छूट गए मेरे और मुझे बहुत सारे लाभ हुए सर इसमें। संत रामपाल जी महाराज ने आपको लाभ ही लाभ दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर ये दास संदेश तो देने लायक नहीं है, लेकिन समाज से और पूरे विश्व से मैं हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि एक बार सिर्फ हमारे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और समझे उनके ज्ञान को कि वास्तव में क्या बता रहे हैं वो। सारे शास्त्र उन्होंने खोल के रख दिए और बता दिए है कि बेटे ये यहाँ पे ये भक्ति करना है अपने को, और जो समाज में ये जो बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाई नहीं है, संत रामपाल जी महाराज ने देवी देवताओं की भक्ति बताई है कि असल में भक्ति अपने को किस तरह से करना है और इन देवताओं को लाभ हमें किस तरह से भक्ति करेंगे तो लाभ मिलेगा। तो सर मेरी समाज से हाथ जोड़ के ये निवेदन और प्रार्थना है इनसे कि सर एक बार मेरे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, सिर्फ ना कि किसी को देखे बल्कि ज्ञान सुने उनका कि वो क्या ज्ञान बता रहे, और संत रामपाल जी महाराज से अपना नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण कराए सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जो आता है उसके नीचे पट्टी लिखी हुई है, उसमें सभी अपने स्टेट बाई जिला में सेंटर खुले हुए हैं और वो भगत वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकता है और अपना कल्याण कराए। धन्यवाद सर। सत साहिब सर।